आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी पूरी बहस जो शुरू की है वो किसी और नुक्ते पर की है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि आप अगर अपने दलाइल मरकूज रखते तो इतनी बहस ना छिड़ती। चीफ जस्टिस का कहना था कि यहाँ मामला भी थोड़ा ठंडा रखना है, आप अगर हाँ और ना में जवाब दें तो बेहतर होगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत जो है वो जारी है और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आपने जो पूरी बहस शुरू कर रखी है वो किसी और नुक्ते पर की है। ये अटॉर्नी जनरल के साथ उनका ये मुकालमा हुआ और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि अगर आप एक दलाइल को अपने मरकूज़ रखते तो इतनी बहस छिड़ना ही नहीं थी। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि यहाँ मामला भी तो थोड़ा ठंडा रखना है, आप अगर हाँ और ना में जवाब दें तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की और फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए हैं जो कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए ये रिमार्क्स दिए और इसमें उनका ये कहना था कि आपने जो पूरी बहस शुरू कर रखी है उसका नुक्ता कुछ और है, अगर आप अपने दलाइल को एक नुक्ते पर मरकूज रखते तो इतनी बहस छिड़ती ही नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को थोड़ा ठंडा रखना है, अगर आप हाँ और ना में जवाब दें तो बेहतर होगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन इकराम उल्ला जोगिया से। जी इकराम, मज़ीद क्या रिमार्क सामने आए और क्या दलाइल दिए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से इस वक्त समाअत जारी है जिसमें जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी है और इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क है कि आज ही अगर हर चीज का जवाब दे दें तो कल को यही केसेज आ गए तो हम इनको ऑब्जर्वेशन के पाबंद होंगे। और इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मुदक्किल ने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल नहीं करेंगे तो क्या अपने हल की खिलाफ वर्जी करेंगे। जस्टिस चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट अदालत के दुश्मन है ना हमें अपना दुश्मन समझती है। चीफ जस्टिस ने बात की है कि सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं, पार्लियामेंट से मनफी चीजें क्यों मनसूख की जाएं। चीफ जस्टिस ने इस सवाल को जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिया गया है कि इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूंगा जियो और जीने दो। इस हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त अपने दलायत दे रहे हैं जबकि जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने रिमार्क दिए कि एक्ट में पार्लियामेंट का मसला अस्खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुतलिक तरीकाकार बनाना था और पार्लियामेंट ने एक्ट में अस्खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केसेस के लिए जजेस कमेटी बना दी। कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था, पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क दिए गए, उन्होंने मजीद कहा कि अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं, जो मसला था पार्लियामेंट इसको ठीक करती है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क दिए गए जबकि चीफ जस्टिस ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से रिमार्क दिए कि ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या ला का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट ने आइन को जानबदार किताब के तौर पर बनाया है कि जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइन साज ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स तब बनाए जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती। आइन साजों की नीयत से कहीं वाजह नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सकती है। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से ये रिमार्क दिए गए जबकि चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि आइन में कहां लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून हवाले से भी होंगे और अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद जरूरी है। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए जबकि अटॉर्नी जनरल ने मौके पर तारीख है कि पार्लियामेंट का आर्टिकल 191 में तमीम ना करने का मतलब अपना इख्तियार सरेंडर करना नहीं है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मौके पर तारीख किया कि आर्टिकल 191 में कानून का लफ्ज मौजूद है जिसके तहत ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ला बना और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 8 कहता है ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हकूक वापस ले। इकरामुल्ला जोया तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया।